हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेसन 3 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सब्जेक्ट साइंस क्लास 4 एंड टुडेज टॉपिक क्वेश्चन आंसर रिवीजन प्रैक्टिस वर्क. ओके, माय सेल्फ मिसेस अंजलि सरोदे फ्रॉम टाटा किम डीएवी पब्लिक स्कूल मीठापुर. चिल्ड्रन तो रेडी हो जाओ, थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर है. यू हैव टू राइट डाउन एंड प्रैक्टिस इट इन यूर CW बुक एंड लर्न ऑल्सो. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स. हम फ्रूट्स क्यों खाते हैं? देखो, मैंने यहाँ पे वन वर्ड वाले आंसर दिया है. इट्स इजी फॉर यू टू राइट एंड लर्न. ओके, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसलिए फुल आंसर नहीं लिया है, लिख के दिया है, शॉर्ट में लिख के दिया है. ओके, सो व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स? वी ईट फ्रूट्स बिकॉज वी गेट न्यूट्रिशन, इट इज न्यूट्रिशियस. जैसे कि हम ब्रैकेट में भी हम अगर अदर ऑप्शन दिए तो आपको क्लिक करना आना चाहिए आंसर. तो फ्रूट्स आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड फाइबर्स, दे कीप अस स्ट्रांग एंड हेल्दी. देखो, अदर भी इसके इम्पॉर्टेंस है फ्रूट्स के, कि जैसे न्यूट्रिशियस है, इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होता है इसमें, इसलिए हम खाते हैं. और इसका और एक फायदा, दे कीप अस स्ट्रांग एंड हेल्दी, है ना. तो इसमें से कोई ऑप्शन में से कोई भी अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन में आए तो आपको सही आंसर क्लिक करना आना चाहिए. इसीलिए ये मैंने अदर ऑप्शंस भी आंसर में दिए हैं इन द ब्रैकेट. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ द फ्लावर विच ब्लूम इन समर. जो फ्लावर समर में ब्लूम होते हैं, समर सीजनल फ्लावर है, उनके उनका एक ही नाम लिखना है. जैसे कि मोतिया एंड इन ब्रैकेट अदर्स, जैसे कि चमेली, सदाबहार, चाइना रोज एंड लिली, ऑल दीज आर फ्लावर्स ब्लूम इन समर, मीन्स दीज आर द समर सीजनल फ्लावर्स. ओके, तो क्वेश्चन 1 and 2 फिनिश हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रोटेक्ट द बर्ड. बर्ड कली को कौन प्रोटेक्ट करता है? लीव्स प्रोटेक्ट द बर्ड. जो लीव्स होते हैं वो कली को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, एंड हेल्प इन टू ब्लूम इन टू फ्लावर, उसको फ्लावर में डेवलप करने के लिए भी हेल्प करते हैं. तो इस तरह से क्वेश्चन 3 फिनिश. एंड देन 4 नंबर, राइट द नेम ऑफ द फ्लावर विच ब्लूम इन विंटर, मीन्स विंटर सीजनल फ्लावर्स अगर पूछे तो डहलिया है और अदर आर रोज एंड क्रिसेंथमम. मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ब्रैकेट में और भी एग्जाम्पल दूंगी ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाए, ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फ्रूट विच इज यूज एज वेजिटेबल. हमें ऐसे वेजिटेबल्स के नाम पता होने चाहिए जो कि फ्रूट्स कहलाते हैं. तो देखो, मैंने नीचे पिक्चर्स भी दिए हैं और आंसर तो है ही, पर एक ही आंसर दिया है, टोमेटो. और ब्रैकेट में बहुत सारे आंसर है, आंसर्स है, जैसे कि बीटर गार्ड है, जैक फ्रूट है, ब्रिंजल और ओकरा यानी भिंडी. तो ऑल दीज आर वेजिटेबल्स, बट हम उसको क्या कहते हैं, फ्रूट्स से जाने जाते हैं. दे आर फ्रूट्स. कौन कौन से? टोमेटो, बीटर गार्ड माने करेला, जैक फ्रूट माने कटहल, ब्रिंजल और ओकरा माने भिंडी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच व्हाइट फ्लावर इज कॉमनली यूज टू मेक परफ्यूम. देखो, व्हाइट कलर का फ्लावर है और जिससे हम सेंट बनाते, परफ्यूम बनाते हैं. एंड योर आंसर इज मोतिया. तो इस तरह से क्वेश्चन 1, 2, 6 फिनिश हियर. मोतिया का मैंने पिक्चर भी नीचे डाउन साइड पे दिया है, राइट साइड पे, वो देख सकते हैं आप. वैसे अभी आपको लर्न हो चुका है सब कुछ. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम अ प्लेस वेयर यू बाय अ फ्लावरिंग प्लांट्स. आपको नाम बताने हैं ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के, मीन्स जनरल कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स के, कहाँ से लाते हैं आप. अगर आपके पास सीड है तो आप सीड प्लांट कर देंगे ग्रो करने के लिए, मिट्टी में करेंगे. पर अगर आपको प्लांट लाना है, चाहिए फ्लावरिंग प्लांट, कहाँ से लाते हैं? इट्स अ GK क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डोंट माइंड. मैंने आंसर लिख के दिया है, लोकल नर्सरीज, नर्सरीज में ये प्लांट बेचे जाते हैं, वहाँ से हम ला सकते हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन 8, नेम 3 फ्रूट्स दैट हैव मेनी सीड्स. हमें 3 फ्रूट्स के नाम बताने कि जिसमें बहुत सारे सीड्स है, मेनी सीडेड फ्रूट्स. ओके, एन आंसर लेमन, पपया एंड ऑरेंज. ओके,
अभी मैंने एक एक्स्ट्रा दिया है वाटरमेलन, ये भी तो है ना, मैंने सेडेड अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, तो मैंने वो आपके याददाश्त के लिए लिखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 9, हाउ ड्राई फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जो ड्राई फ्रूट्स है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। आंसर है, ड्राई फ्रूट्स गिव अस एनर्जी एंड कीप अवर बॉडी वार्म। ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो खाने से एनर्जी मिलती है। अगर हम मुट्ठी भर में अगर हमने खा लिए है ड्राई फ्रूट्स, तो हमारा आधा दिन तो यूं ही अच्छे से जा सकता है ना, क्योंकि एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी मेंटेन कर पाते हैं हम कुछ घंटों तक, तो इसलिए हमें भूख पे कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक है ये ड्राई फ्रूट्स। एंड कीप अवर बॉडी वार्म, अपने बॉडी को वार्म रखता है, एंड दैट्स वाई वी जनरली ईटन इन अ विंटर सीजन। ये जो ड्राई फ्रूट्स है, आलमंड है, वॉलनट है, बाकी सब, तो ये हम कब खाते हैं, विंटर सीजन में। वाई? बिकॉज गिव अस एनर्जी एंड कीप अवर बॉडी वार्म, गर्मावट पैदा करते हैं, ये गर्म रहते हैं। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा आपकी मम्मी भिगो के देती है आलमंड, जैसे बादाम वगैरह होते हैं कुछ, तो मनुकाज रहते हैं, तो ये सब मम्मी भिगो के फिर बाद में देती, क्योंकि वो गर्म रहते हैं सेहत के लिए, और इसीलिए वी हैव टू ईट इन विंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है 10 और 11, देखेंगे। राइट द नेम ऑफ 3 फ्रूट्स दैट वी गेट इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में मिलने वाले फ्रूट्स। एप्पल है, ऑरेंजेस और आंवला। आंवला का दूसरा नाम क्या है, इंडियन गूसबेरी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। 11 क्वेश्चन, व्हाट आर सीजनल फ्लावर वी गेट, आंसर है, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन, सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड सीजनल फ्लावर्स। अभी मैं एक क्वेश्चन अपने मन से ऐड करती हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया, सपोज मान लो व्हाट आर सीजनल फ्रूट्स, तो आप क्या करेंगे, आंसर सेम होगा, जैसे कि सेम इन द सेंस, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स। मीन्स आपको अगर सीजनल फ्रूट्स और सीजनल फ्लावर्स के बारे में पूछेंगे, तो आपका आंसर इस तरह से आपको आना चाहिए देना। अभी आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सीजन क्रिसेंथमम ब्लूम, कौन से सीजन में क्रिसेंथमम ब्लूम होता है, तो है आंसर विंटर सीजन, बिकॉज क्रिसेंथमम इज अ विंटर फ्लावर। ओके, 13, इन विच सीजन वी गेट फ्रूट लाइक इंडियन गूसबेरी, एंड आंसर विंटर सीजन, तो ये जो आंवला है वो विंटर सीजन में अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा फ्लावर वर्ल्ड में कौन सा है, तो आंसर है वाटरमेल और वोल्फिया ग्लोबोसा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसका दूसरा भी नाम है, दो दो नाम दिए हैं, ऑप्शन में है वो वाटरमेल और उसको वोल्फिया ग्लोबोसा भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आंसर CW बुक में लिखो, प्रैक्टिस करने के लिए रब बुक में लिखो अगर टाइम है तो, और लर्न करो, इट इज़ हेल्पफुल टू अस। ओके, सबको काम आएंगे कहीं ना कहीं। सो चिल्ड्रन, मे योर डे बी फिल्ड विद द मोमेंट दैट मेक यू स्माइल, मुस्कुराते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।